penetrated your soul. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। और आज की हमारी मूवी में हम डेमन के बारे में जानेंगे, जो कि अपने फैंटेसीज को पूरा करने के लिए अलग अलग ह्यूमन बॉडीज को यूज करता है। और इस मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक डिमोनोलॉजिस्ट होती है। वो द लॉस्ट डायमेंशन नामक शो की होस्ट भी थी। वो ये बताती है कि उसके शो में एक विजिटर आने वाला है, और विजिटर एक इंसान भी है, और हो सकता है या फिर वो कोई एलियन है या फिर वो कोई एक स्पिरिट भी हो सकती है। और इसी के साथ में ये सीन यह प्रकट होता है। अगले सीन में हमें क्लेटन वॉकर को दिखाया जाता है, जो कि डेमोनोलॉजिस्ट के ऑडिशन दे रहा था क्योंकि उसका पास्ट बहुत ही ज्यादा खराब था। क्लेटन का ऑडिशन कास्ट और डायरेक्टर को बहुत पसंद आता है और वे उसको थोड़ी और मेहनत करने के लिए बोल देते हैं क्योंकि इस रोल के लिए ज्यादा डेडिकेशन चाहिए था। अब ऑडिशन देने के बाद में क्लेटन रूम से बाहर निकलता है तो उसको डोनाल्ड मिलता है, जो कि क्लेटन के साथ में एक्टिंग क्लास जाया करता था और बचपन से ही एक्टिंग लाइन में है क्योंकि वो एज अ चाइल्ड एक्टर काम करता है, जिसकी वजह से उसकी अच्छी जान पहचान है और उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जिस बात का उसको बहुत ही ज्यादा घमंड भी था। अब क्लेटन अपने घर पर आता है। वो अपनी आंट से कॉल पर बात करता है, जो कि उसकी मॉम को याद कर रही होती है क्योंकि क्लेटन की मॉम की बहुत टाइम पहले ही डेथ हो गई थी। आंट से बात करने के बाद में वो भी अपनी मॉम को याद करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपनी मॉम का फेवरेट सॉन्ग गाने लगता है। और हम उसकी मॉम की फोटो को भी देखते हैं। अगले सीन में हम क्लेटन को एक्टिंग क्लास में देखते हैं, जहाँ पर उसकी एक्टिंग टीचर भी डोनाल्ड की हेल्प मांगती है। तो यहाँ पर भी डोनाल्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हमें पता चलता है कि क्लेटन के एक्टिंग के सफर के साथ में उसके पर्सनल लाइफ भी कुछ खास नहीं चल रही थी क्योंकि उसके फादर उसके इस काम से खुश नहीं थे। वे उसे दूसरा काम ढूंढने के लिए फोर्स करते हैं। और यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि क्लेटन का स्ट्रगल कितना ज्यादा है और उसको उसकी मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है। इसी बात से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी रहा करता था। नेक्स्ट सीन में हम क्लेटन को देखते हैं, जो कि अपने घर पर होता है, और तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसमें वो क्लेटन से कहता है कि कास्टिंग डायरेक्टर टीम को तुम्हारा ऑडिशन काफी पसंद आया है और मंडे को उसको फाइनल ऑडिशन के लिए बुलाया गया है, जिसे सुनकर क्लेटन बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको अब अपनी सक्सेस नजर आने लगी थी। और तभी वो अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन डेमोनोलॉजिस्ट को सर्च करने लगता है ताकि उसको पता चल सके कि असल में डेमोनोलॉजिस्ट कैसे बिहेव करते हैं और उनको क्या क्या करना पड़ता है। वो वहाँ पर एक ऐड भी छोड़ देता है ताकि कोई उसे ऐड देखकर उसे कांटेक्ट करे। अब कुछ समय के बाद में एक लेडी का उसे कॉल आता है और वो क्लेटन को मिलने के लिए बुलाती है, और तभी क्लेटन अपनी कार से उस लेडी से मिलने के लिए जाता है। ये लेडी एक सुनसान एरिया में रह रही थी जहाँ पर उसके अलावा किसी और का घर नहीं था, और इस लेडी का नाम एलिशा होता है। और वो क्लेटन को अंदर बुलाती है, और ये वही लेडी थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। क्लेटन वहाँ पर लगी डेमन की पेंटिंग देखता है तो एलिशा बताती है कि ये 15th सेंचुरी के वुड कार्विंग पर बेस्ड है और वो अनेक फॉर्म और शेप में आते हैं। तभी क्लेटन की नज़र एक अजीब से पेंटिंग में पड़ती है और एलिशा बताती है कि ये गैल्विनो डेमन ऑफ डिजायर है। एलिशा अब क्लेटन को टी लाकर देती है, जिस पर वो कुछ मंत्र पढ़ देती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। तो एलिशा क्लेटन से उसके करियर के बारे में पूछने लगती है। तभी वो बताता है कि वो 15 साल से स्ट्रगल कर रहा है, और फिर वो क्लेटन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। तो क्लेटन कहता है कि वो उसको सिर्फ डेमन के बारे में ही बताए क्योंकि वो सिर्फ डेमन के बारे में जानना है, ना कि अपने बारे में बताने के लिए। एलिशा उसे कहती है कि हमें यहाँ पर एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि वो एक रिचुअल करेगी जिसका सक्सेस होने के चांसेस कम है। तो क्लेटन शॉक्ड होकर ये पूछता है कि वो कैसा रिचुअल करना चाहती है। एलिशा कहती है कि उसने सेंस किया है कि क्लेटन के साथ में कुछ बुरा हुआ है जिसने क्लेटन को कमजोर बना दिया है, और इविल स्पिरिट्स उसके सोल को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, जिसका एहसास उसे अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो इविल स्पिरिट और पावरफुल हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो क्लेटन के सोल पूरी खत्म कर देगी, और ऐसा होने से पहले वो एक रिचुअल करके उसके सोल से उस इविल को बाहर निकाल देगी, जो कि एक एग्जोसिस्म की तरह होगा जिससे कि उसके सोल पूरी तरह से प्योर हो जाएगी। इसे सुनकर क्लेटन को थोड़ा अजीब महसूस होता है। तो एलिशा कहती है कि एक डेमोनोलॉजिस्ट के बारे में सीखने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है, और हो सके तो क्लेटन इस बात के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये रोल बहुत ही जरूरी था। अब वो दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर रिचुअल के लिए पूरा सेटअप तैयार किया गया था, और वहाँ पर ह्यूमन ब्लड भी रखा हुआ था। तो एलिशा क्लेटन से कहती है कि वो अपने आप को रिचुअल के लिए तैयार कर ले क्योंकि वो रिचुअल कल करेगी। फिर वो दोनों साथ में खाना खाने के लिए आ जाते हैं, और बातों ही बातों में क्लेटन उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो
वो तभी एलिसा कहती है कि अगर क्लिंटन को मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है तो ये रिचुअल खराब हो जाएगा। और क्लिंटन उसे सॉरी बोल देता है और कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नहीं है और इसीलिए मुझे इन्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा। और बातों ही बातों में क्लिंटन के मुँह से निकल जाता है कि अगर वो फेल हुआ तो उसके हाथ से ये रोल निकल जाएगा, जबकि उसे ये कहा गया था कि उसे ये रोल मिल गया है। तो एलिसा कहती है कि झूठ बोलना डेमन का ही काम होता है। और क्लिंटन डोनाल्ड से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है और ये बात भी एलिसा को पता चल जाती है। एलिसा कहती है कि वो जो काम करती है उसके पीछे बहुत से लोग होते हैं जो कि उनको झूठा और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि साइंस और सोशल मीडिया। इस वजह से वो अपने पास फोन नहीं रखती है और वो सबसे दूर एक सुनसान जगह पर रहती है, क्योंकि उसका मानना है कि इस वजह से डेविल उन पर हैवी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम डोनाल्ड को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में मस्ती कर रहा था और साथ ही साथ वो अपने रोल की भी प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि डोनाल्ड अपने ऑडिशन के लिए जरा सा भी सीरियस नहीं है और उसको ये सब मजाक लग रहा था। इधर क्लिंटन सोने जाता है तो एलिसा आकर उसका फ़ोन ले जाती है ये कहकर कि ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है और उसे इस रात को फोकस्ड होना है। फिर वो अपने रूम में रेस्ट करने लगता है कि तभी उसके पास वाले रूम में टीवी चलने लगती है और उसे देखने के लिए वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी टेप पड़ी हुई है, जिसमें से वो एक टेप को उठाकर प्ले करता है तो वो वही टेप होती है जिसे हम लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और वो इस टेप को देखकर नीचे जाता है तो एलिसा अपने रूम में बैठी होती है और वो उसकी बैग पर एक अजीब सा मार्क देखता है। फिर अगली मॉर्निंग हम देखते हैं कि क्लिंटन और एलिसा साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी क्लिंटन एलिसा से उस टेप के बारे में पूछता है तो एलिसा बताती है कि ईयर 2000 में वो गोस्ट हंटिंग रियलिटी शो में काम किया करती थी जो कि आधे सीजन चला और नेगेटिव रिव्यू की वजह से उसे बंद करना पड़ा, जिसके बाद में उसे डेमोनोलॉजिस्ट का रोल मिल गया जो कि उसको बहुत पसंद आया और इसके बाद उसने किसी और वर्क की तरफ नहीं देखा। अब वो क्लिंटन को रिचुअल के लिए तैयार करती है और उसको उसी रूम में ले जाती है जहाँ पर पहले से ही सेटअप तैयार था। वो क्लिंटन को बिठाती है और उसको अपनी सबसे वर्स्ट मेमोरी याद करने के लिए कहती है, जिसमें क्लिंटन बताता है कि एक बार उसे अपनी मॉम को कुछ गलत कह दिया था। वो थोड़ा शांत रहने के बाद में वो ये भी बताता है कि वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और उसकी वजह से ही उसकी मॉम की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये बताकर वो बहुत रोने लगता है तो एलिसा उसे शांत करती है। वो क्लिंटन से एक बकरी को सेक्रीफाइस कराती है और वहाँ से ही मेन रिचुअल शुरू होता है। फिर वो क्लिंटन से आग बंद करने के लिए कहती है, जिस पर क्लिंटन पूछता है कि वो स्पीड कैसे दिखेगी, जिस पर बताती है कि वो उनको फील करेगा। अब एलिसा रिचुअल स्टार्ट करती है और कुछ चैंटिंग करने लगती है। फिर वो एक चाकू को निकालकर क्लिंटन की तरफ बढ़ती है और तभी क्लिंटन अपनी आँख खोल लेता है और डरकर वहाँ से भाग जाता है। क्लिंटन अपने रूम में आता है और अपना सामान पैक करने लगता है कि तभी एलिसा उसको समझाती है, लेकिन क्लिंटन कहता है कि तुम मुझको मारने वाली थी और मुझे कोई भी स्पिरिट फील नहीं हो रही थी। तो एलिसा का ऐसा कहना था कि ये एक एंशेंट रिचुअल है और ये ऐसे ही काम करता है। तभी क्लिंटन अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगता है और उसे रोकने के लिए एलिसा पीछे से उसकी मॉम का फेवरेट सॉन्ग गाने लगती है जो कि क्लिंटन से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड था, जिसे सुनकर वो इमोशनल हो जाता है। फिर एलिसा कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बस यहाँ पर थोड़ा वक्त लो। और ये सुनकर क्लिंटन रुक जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एलिसा उसकी मॉम की स्पिरिट को फील कर सकती है और उसकी माँ की स्पिरिट नहीं एलिसा को इस सॉन्ग के बारे में बताया होगा और उसके बाद वो एलिसा पर ट्रस्ट करने लगता है। फिर वो दोनों साथ बैठकर बात करते हैं जहाँ पर एलिसा क्लिंटन से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, जिसमें क्लिंटन कहता है कि उसको डोनाल्ड की मौत चाहिए और वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से। ये सुनकर एलिसा उसको हक करती है और उसे अपनी बातों में फंसा लेती है। तभी क्लिंटन को अपनी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वो घबरा जाता है। तो एलिसा बताती है कि कुछ समय पहले क्लिंटन की मॉम भी यहाँ पर आई थी और उसे सुनकर क्लिंटन कुछ समझ नहीं पाता है, जिसके बाद में वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो वहाँ का डोर नहीं खोल पाता है क्योंकि उस डोर पर किसी प्रकार का रिचुअल किया गया था और उस वजह से वो डोर नहीं खुलता है। वो ज़्यादा एफर्ट लगाने की वजह से क्लिंटन का हाथ जल जाता है। इससे फ्रस्ट्रेट होकर क्लिंटन एलिसा पर अटैक कर देता है और हम देख पाते हैं कि एलिसा क्लिंटन पर बहुत भारी पड़ती है, जैसा कि उसके ऊपर कोई स्पिरिट हो, लेकिन क्लिंटन दम लगाकर एलिसा का गला दबाने लगता है। वो तभी उसको एलिसा में उसकी मॉम दिखाई देती है और वो उसको फ्री कर देता है। अब वो उसके साथ में एक रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए जाती है और क्लिंटन को आगे बढ़ा देती है। यहाँ पर एलिसा के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे और वो बकरी के ब्लड को उसके ऊपर डालने लगती है। यहाँ पर क्लिंटन कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाता है,
क्योंकि एलिसा ने उसको जो टी पीने के लिए दी थी उससे उसकी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो चुकी थी। अब सीन कट होता है और अगले सीन में हम क्लिंटन को बेड पर न्यूड देखते हैं और उसके पास में एलिसा होती है जो कि उसको तैयार कर रही थी। फिर एलिसा उसके ऊपर फ्यूल डालती है और वो उसको आग लगाने वाली थी, लेकिन तब भी क्लिंटन जैसे तैसे करके उस रूम से बाहर आ जाता है, पर एलिसा उसके सामने खड़ी थी। और यहाँ पर हमें इस मूवी का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट पता चलता है। स्टार्टिंग में क्लिंटन ने जिस डेमन के बारे में पूछा था ये वही डेमन था, गैल्विनो डेमन, जो कि एलिसा की बॉडी के अंदर था। और वो अपने फैंटेसीज को पूरा करने के लिए क्लिंटन के साथ में इंटीमेट होने लगती है और साथ ही साथ वो खुद को भी आग लगा देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोनाल्ड जो कि ऑडिशन दे रहा था और उसका ऑडिशन बहुत ही खराब गया था। फिर डायरेक्टर उसे कहते हैं कि उनको क्लिंटन का ऑडिशन पसंद आया, लेकिन क्लिंटन के वापस ना होने की वजह से ये रोल डोनाल्ड को मिल जाता है और डोनाल्ड के लक की वजह से अगेन उसको सक्सेस मिल जाती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। लेकिन दोस्तों, गैल्विनो डेमन एलिसा की बॉडी में कैसे आया और मूवी की स्टार्टिंग में हमें एलिसा दिखाई जाती है जो कि बताती है कि उसके शो पर कोई विजिटर आने वाले हैं। तो दोस्तों, वो विजिटर गैल्विनो डेमन ही होता है जो कि एलिसा के शो पर आकर एलिसा की बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए एलिसा की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, आज के हमारी इस मूवी में हमने देखा कि एक डेमन जिसने अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए पहले एलिसा की बॉडी का यूज़ किया और कुछ टाइम के बाद में जब उसको क्लिंटन दिखा तो उसने उस पर अपना कंट्रोल कर लिया, जिसके बाद में वो क्लिंटन के साथ में इंटीमेट होता है और अपने फैंटेसीज को पूरा करता है। साथ ही क्लिंटन की बॉडी को जलाकर वो अपने साथ में ले जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट ज़रूर करना और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही खतरनाक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता हूं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।